नाजरीन, आप देख रहे हैं लिटरेचर एंड हिस्ट्री और मैं हूं आपका मेजबान उजैर आमिर। नाजरीन, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मोटिवेशनर्स के बारे में। ये जो प्रोफेशनल मोटिवेशनर्स होते हैं और सेल्फ डेवलपमेंट पे जो किताब लिखते हैं, लोगों को समझाते हैं कि कैसे कामयाब होना है, कामयाबी की क्या निशानियां हैं, बड़े लोगों की खसूसियात बताते हैं, कामयाबी की निशानियां बताते हैं, और सेल्फ डेवलपमेंट का एक पूरा डिपार्टमेंट बन गया है जिसमें डेल कार्नेगी और स्टीफन आर कोवे और भी बहुत सारे, डेविड शवाडेज, नेपोलियन हिल, बहुत सारे नाम जो रॉबिन शर्मा, हिंदुस्तान में संदीप महेश्वरी, पाकिस्तान में कासिम अली शाह और बहुत सारे ये नाम हैं। हम इन मोटिवेशनर्स के बारे में बात करेंगे, आखिरकार इनका दीन ईमान क्या है और ये लोग क्या चाहते हैं, इन लोगों की असलियत क्या है, इनका फिक्र क्या है, इनका नज़रिया क्या है, ये कौन से नज़रियाती कबीले से ताल्लुक रखते हैं, कौन से फिक्र से ताल्लुक रखते हैं, इस मुताबिक बात करेंगे। लेकिन टॉपिक पर बात करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि हमारा ये चैनल लिटरेचर एंड हिस्ट्री सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आप लोगों को बवक्त मिल सके। नाजरीन, बात करने की शुरुआत में ही मैं ये बात क्लियर कर दूं कि ये जो सेल्फ डेवलपमेंट पर किताबें आती हैं और ये जो मोटिवेशनर्स होते हैं और ख़ास तौर पर जो किताबें होती हैं सेल्फ डेवलपमेंट के मौजू पर, जिनको लोग बड़े चाव से पढ़ते हैं और ख़ास तौर पर जो शागिर्द तबका है, वो ख़ास तौर पर जो तलबा है, वो बहुत ही चाव से और बहुत ही इंटरेस्ट से उन किताबों को पढ़ते हैं और फिर कुछ लोग उन पर अमल करने की कोशिश भी करते हैं। तो इन किताबों में से, इन किताबों को हम दो हिस्सों में बांटेंगे। एक वो किताबें हैं इन किताबों में से जो साइंटिफिक हैं बिल्कुल ही, इंसानी जहन कैसे काम करता है, इंसान का जो माइंड है, उसके जो पार्ट्स हैं कॉन्शियस सबकॉन्शियस, उनका क्या काम है, इंसान कैसे रिएक्ट करता है, यानी बिल्कुल ही बायोलॉजिकल हकायक होते हैं उसमें, माइंड का जो पावर ऑफ माइंड, और इस किस्म के कुछ किताबें हैं जो बिल्कुल ही हकायक पर मबनी हैं और जो साइंटिफिक किताबें हैं, जैसा कि जोसेफ मर्फी का भी एक किताब है पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, ऐसी कुछ किताबें हैं जो बिल्कुल ही साइंटिफिक हैं और रीजनेबल हैं। लेकिन कुछ किताबें जो साइंटिफिक बुनियादों पर नहीं है, हम उनके बारे में आज बात करने वाले हैं। तो उन किताबों के बारे में जो पहली बात है वो ये है कि हर जमाने के और हर सिस्टम के कुछ मुहरक होते हैं और कुछ सबब होते हैं जो उन चीज़ों को साथ चलाते हैं। मसलन 1976 के बाद और ख़ासतौर पर 1990 के बाद जो ज़माना आया है, ये जो दौर है, इसको पोस्ट मॉडर्निज्म का दौर कहा जाता है। और इस दौर के जो मुहरक हैं और इस दौर के जो मुख्तलिफ हम कह सकते हैं मयार हैं, वो तब्दील हो गए। इस दौर में सच और झूठ का बहस नहीं है, इस दौर में तजादात ख़त्म हो गए। हर वो चीज़ जो पॉपुलर है, हर वो चीज़ जो इस मुआशरे में चल सकती है, वो ठीक है। सच क्या है, झूठ क्या है, नजरिया क्या है, अकीदा क्या है, उसूल क्या है, इसके बारे में, इस पर बात करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। हर कीमत पर अपना जो मौकूफ है वो रखना है। और इस वजह से बहुत सारे लोग और हमारे यहाँ पाकिस्तानी सियासत में भी पोस्ट मॉडर्निज्म का ही असर है और पोस्ट मॉडर्निज्म का हर चीज़ पर असर है। और पाकिस्तानी सियासत में भी ख़ास तौर पर ये पता नहीं चलता जो झूठे हैं वो इतनी मक्कारी से और इतनी फ्रेडी से बात करते हैं जैसे वो सच बोल रहे हैं। यानी इस दौर में जो सच और झूठ का आपस में जो फर्क है वो ख़त्म हो गया है पोस्ट मॉडर्निज्म के दौर में। तो ये जो मोटिवेशनर हैं, ये इस दौर के साथ चलने की बात करते हैं, ये सच और झूठ में तमीज़ की बात नहीं करते, ये बात करते हैं आप लोगों को इस सिस्टम में रह के हर कीमत पर कामयाब होना है। यानी पहली बात इन लोगों के बारे में ये है कि ये पोस्ट मॉडर्निज्म का दौर जो है, जो सरमायादारना निज़ाम का एक टूल है, और सरमायादारना निज़ाम के तीन दौर रहे हैं। एक दौर था जिसमें सरमायादारना निज़ाम तरक्की याफ्ता था, फिर जैसा कि लेनिन ने कहा था कि 18वीं और 19वीं सदी में ये निज़ाम साम्राज्य निज़ाम बन गया, और उसके बाद इसका जो थर्ड फेज आता है वो है पोस्ट मॉडर्निज्म का दौर, और ये मोटिवेशनल उस जमाने को, इस सरमायादारी निज़ाम को जस्टिफाई करते हैं। और दूसरी बात इन लोगों के बारे में ये है कि वो इस सिस्टम को जस्टिफाई करते हैं। ये लोग कभी भी आपको इनकलाबी नहीं बनने देंगे, कभी भी आपको आउट ऑफ द बॉक्स सोचने की दावत नहीं देंगे, कभी भी आपको इस सिस्टम के खिलाफ मजमत करने पर नहीं उकसाएंगे।
और उसके बाद ये लोग इंफरादियत की बात करते हैं। कभी भी ये इज्तिमाई इंसानी शऊर, सियासी शऊर, इंसान के जो इज्तिमाई हुकूक हैं, जैसे कुछ हकायक होते हैं, कुछ बातें होती हैं जो मजमूरी तौर पर हर इंसान के लिए होती है, और सियासत वो इल्म है जो हमें समझाता है कि इंसानों पर के पास और खासतौर पर आवाम के पास जो ताकत है वो अवामी ताकत है, इसलिए मिलजुल कर लड़ना चाहिए अपने हकूक के लिए। एक फर्द की जो कामयाबी है वो कोई एक्चुअल कामयाबी नहीं है। इस गंदे निज़ाम में रहकर अगर एक फर्द कामयाब भी हो जाता है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये निज़ाम ऐसा ही रहेगा। असल जो मकसद है वो होना चाहिए निज़ाम की तब्दीली का, यानी इज्तिमाई शऊर का। और ये लोग जो हैं सेल्फ मोटिवेशनल, सेल्फ डेवलपमेंट पर किताब लिखने वाले और यूट्यूब पर लेक्चर्स देने वाले, जिनका काम है ये, उन्होंने डिपार्टमेंट बना लिया है, ये इंफरादियत की बात करते हैं और इज्तिमाई शऊर को कुचलते हैं। इसलिए ये आइडियालॉजीज की, मार्क्स एंगल्स के फलसफे की और इज्तिमाई इंसानी शऊर के कातिल हैं। ये सिर्फ इंफरादियत की बात करते हैं कि इस गंदे निज़ाम में रहकर एक फर्द दूसरों के हुकूक को गज़ब कर उनके हुकूक पर कब्जा करके खुद कामयाब हो जाए। और तीसरी बात, जैसा कि ये इंफरादियत की बात करते हैं तो इनके जो हीरोज़ हैं वो भी इंफरादी हैं। ये जब बात करते हैं, लेक्चर्स देते हैं, किताबें लिखते हैं, तो जिन हीरोज को ये रेफर करते हैं, जिनको आइडियल पर्सनैलिटीज करके पेश करते हैं, उनमें आइंस्टाइन नहीं है, उनमें स्टीफन हॉकिंग नहीं है, उनमें न्यूटन नहीं है, कार्ल मार्क्स नहीं है, दोस्तोव्स्की नहीं है, फैज अहमद फैज़, हबीब जानिब जैसे लोग इनके हीरोज नहीं हैं, रसूल बख्श पलीजोर, जेम्स हेड जैसे लोग इनके हीरोज नहीं हैं। यानी वो लोग जो इंसानी तारीख में बड़े बड़े आर्टिस्ट रहे हैं, वो लोग जो बड़े शायर रहे हैं, जो फलसफी हैं, जिन्होंने इंसान को बहुत बड़े तरकीबी इंसान की तकदीर को तब्दील कर दिया, ये उन लोगों की बात नहीं करते। इनके हीरो सिर्फ वो लोग हैं जो पैसा कमाते हैं, जिनको पैसे कमाने का गुर आता है, जो दूसरों के हुकूक को गजब कर इस निज़ाम में रहकर ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाते हैं। ये अक्सर बार और बहुत बार ये मिसाल देते हैं बिल गेट्स का और इस किस्म के जो बहुत सारे लोग हैं, ये उन लोगों का मिसाल देते हैं। कभी भी वो बंदे और वो इंसान, वो आदमी जो इंसानों के इज्तिमाई हीरोज़ हैं, जिन्होंने निज़ामों को तब्दील कर दिया, ची गवेरिया और फिडेल कास्ट्रो जैसे लोगों की ये मिसाल नहीं देती। और उसके बाद इनका जो फलसफा है वो माजी में भी रहा है, ख्याल परस्त फलसफी माजी में थे और अब इन लोगों की शिकल में वो फलसफा जाहिर होता है। तो वो लोग कहते थे कि इंसानी समाज में जो भी तब्दीली आती है वो सिर्फ इंसानी इरादे से आती है, कोई भी तारीख की जरूरत नहीं होती और कोई भी दूसरी बात नहीं होती। समाज के जो पैदावार सृष्टि होते हैं और भी जो फैक्टर्स होते हैं किसी समाज की तब्दीली में, वो मैटर नहीं करते, सिर्फ और सिर्फ इरादे मैटर करते हैं। और हकीकत ये है कि इरादे खुद भी मुख्तलिफ समाज में रहने वाले और मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में लोग जो काम करते हैं उनके इरादे जो बनते हैं वो भी कुछ सबब होते हैं उन इरादों को बनने की। लेकिन ये लोग कहते हैं कि इंसानी जो इरादे हैं वो इस समाज से बराबर हैं, इस समाज से ऊपर हैं और इंसान को सिर्फ इरादे बड़े करने चाहिए। और ये एक थ्योरी थी जिस पर एंगल्स ने बहुत बड़ी तनकीद की थी और टेलालॉजिकल थ्योरी के नाम से इसको याद किया जाता है कि कोई भी और चीज़ मैटर नहीं करती, सिर्फ इरादे बड़े कर लो। यानी आपके पास कोई भी मादी चीज़ ना हो, कोई वसायल ना हो, तो कोई बात नहीं, ये सरमाएदार लोगों के हवाले कर लो, जागीरदार लोगों को दे दो, आप सिर्फ इरादे बड़े कर लो, आप लोग कामयाब हो जाएंगे। तो जो इनका चौथा पॉइंट है वो है इरादे बड़े करने की बात, जो जाहिर है मफूजा है, गलत बात है। और आखिरी बात जो करते हैं, जो हम इस लेक्चर में करने वाले हैं लोगों के बारे में, वो ये है कि ऑब्जेक्टिविटी का इनकार करते हैं। मरूजी हकायक जो होते हैं, जो मादी हकायक होते हैं, जो वसीले होते हैं जिन पर लोग कामयाब होते हैं, ये उनका इनकार करते हैं। ये कभी भी नहीं मानते कि इस समाज में भी इंसान के लिए कुछ जो है बैरियर्स हैं, कुछ ऑब्स्टिकल्स हैं। ये कहते हैं नहीं, कोई भी बात नहीं, आपके लिए कोई भी मसला नहीं। एक किसान का जो फर्जंद है, किसान का जो बेटा है, उसको भी सेम ही जो है अपॉर्चुनिटीज हैं। यानी ये इस निज़ाम को जस्टिफाई करते हैं कि ये निज़ाम जो है ये बराबरी पर है, कोई बात नहीं, आप इरादे बड़े कर लें, आपको भली मादी वसायल ना हो, आप भली थर में रह रहे हो, आप बहुत ही पीछे जो इलाके पड़े हुए हैं बलोचिस्तान के, कुछ इलाके आप वहीं के हों, कोई भी मसला नहीं है, आप सिर्फ इरादे बड़े कर लें। यानी ये मरूजी हकायक के और ऑब्जेक्टिविटी का इनकार करते हैं, सिर्फ सब्जेक्टिविटी की बात करते हैं, जो पिछले ज़माने में ख्याल परस्त फलसफी करते थे, जो अब तारीख में दफन हो चुके हैं।
और लास्ट बात जो करना जरूरी है कि फिर लोग इनको क्यों सुनते हैं, क्योंकि इन लोगों के पास जो ये मीडिया है और ये लोगों को गुमराह करते हैं, खासतौर पर वो तुलबा जिनके पास समाजी शऊर नहीं है, सियासी शऊर नहीं है, जिन्होंने डीप मुतालिया नहीं किया और जिन्होंने नजरिया नहीं पढ़ा है, जिन्होंने जिनकी नजरिया की तरबियत नहीं है, वो लोग इनको सुनते हैं। और जो लोग शॉर्टकट्स चाहते हैं वो इनको सुनते हैं और वो गुमराह ही होते हैं, ज्यादा नाकाम भी होते हैं। तो क्योंकि ये लोग जो है ये साइंटिफिक तज्जिया नहीं देते, ये इंसानी समाज इंसानी फितरत पर जो है वो करेक्ट तज्जिया नहीं करते, सिर्फ शॉर्टकट्स की बात करते हैं। और वो लोग जो इस निज़ाम में रहना चाहते हैं और जिनको अक्सर उनमें से वो लोग हैं जिनको इन लोगों ने गुमराह किया है, तो वो इनको सुनते हैं। बाकी जो लोग शऊर याफ्ता हैं, जिनके पास तारीखी शऊर है, जो समझते हैं कि समाज कैसे तब्दील होते हैं, इंसान की फितरत में क्या क्या चीज़ें हैं, कौम क्या है, कौमियत क्या है, कल्चर क्या है, ये जो सारे इंसान के मजमूई और इज्तिमाई वर्षा है, इस पर वो बात नहीं करते। और जो लोग उन सारी चीज़ों को समझते हैं वो इन लोगों को नहीं सुनते और इन लोगों का जो भयानक चेहरा है उनको पहचानते हैं। तो हमें ज़रूरत इस बात की है कि हम शॉर्टकट्स के पास नहीं चले और हम समाज को मजमूई तौर पर तब्दील करें और इन लोगों की हकायक को समझें। तो नाज़रीन, ये थी हमारी बात सेल्फ डेवलपमेंट पर लिखी हुई किताबों के बारे में और मोटिवेशनर्स के बारे में। मिलते हैं इसी अगले मौजू पर बात।